तो गाइस निकल चुके हैं हम घर से और हम इधर से जा रहे हैं अभी रात। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो यार, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस हम रेड लाइट मार्केट, तो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और मैं कहा बहुत दिन हो गए यार, बट हम अभी तक गए नहीं। तो मैं कहा चलो आप सबके लिए रेड लाइट मार्केट का एक ब्लॉग बनाया जाता है। और संडे का ब्लॉग जो मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया, तो उसमें मैंने ना वहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड किया था और वॉइस मैंने घर में आके डाली थी। तो ये वाली एड्रेस में तो वॉइस भी मेरी चली रही है, देख सकते हो, वॉइस के साथ ही बना रहा हूँ मैं। और मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहा है रवि, तो हम दोनों जाएंगे। इसको थोड़ी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने से आप सबके लिए मार्केट का ब्लॉग बन जाता है। और इधर साइड में देखो मटर आ गया, अभी तो छोटे छोटे हैं बट इनको भी टाइम लगेगा बड़े होने में। इधर साइड में भी आ गए, देख के तो पहले लग रहा था यार इस पर कुछ होएगा नहीं, बट हो गया। अब देखो फूल भी देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं इधर साइड में। तो अब निकलते हैं सीधा और घर से, और डब्बी तो घर पर अकेला ही है तो फटाफट से आएंगे। तो 5 बजे तक आने का सोचेंगे, वैसे तो 4 बज रहे हैं, फटाफट से 1 घंटे के अंदर, क्योंकि हमारे को तो इतना टाइम लगता नहीं है मार्केट के अंदर जाने में, तो फटाफट आएंगे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा मार्केट की ओर। तो गाइस निकल चुके हैं हम घर से और हम इधर से जा रहे हैं अभी राजवलोन की साइड से। इधर से सीधा हम जाएंगे रेल की पटरी पार करके रिवर्स कॉलोनी और उधर से सीधा रेड लाइट की ओर निकल जाएंगे। तो गाइस तो पहुंच चुके हैं हम रेड लाइट और यहाँ से जो पुल है यहाँ पे ख़त्म होने वाला है और इससे आगे जाएंगे अभी तो GT रोड आ जाएगा, इसी को बोलते हैं गाइस रेड लाइट मार्केट। यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना है हमारे को, उसके बाद जो हाईवे है रोड क्रॉस करके उसके परली साइड से मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर फर्नीचर की शॉप दिखेंगी और आगे फिर आपको एक ड्राई क्लीन की शॉप मिलेगी इधर लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे। और तो ये देख सकते हो ये रहा यहाँ पे फर्नीचर ही फर्नीचर की शॉप। और अभी यहाँ से हमारे को बस थोड़ा सा आगे जाना होगा गाइस। तो गाइस ये रहा यहाँ पे शोरूम फर्नीचर का। तो गाइस तो यहाँ से रेड लाइट हमने क्रॉस कर ली है और अभी थोड़ा सा आगे है बट तो मार्केट आने वाला है। यहाँ पर देखो सेल लगी पड़ी है, शूज बेच रहे 30-30 रुपए में। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है मार्केट। तो गाइस अभी इधर साइड में सेल लगी, ज्यादा सेल आपको दिखे संडे के लिए, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से मार्केट पे यार स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट्स कुछ लेने होंगे ना आगे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 200 रुपये में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अंदर की ओर, देखते हैं कहाँ कौन सी शॉप में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। चल चल ज़्यादा कुछ तो लेने नहीं आए थे, अभी आएंगे बाद में कुछ दिनों में, 2-4 दिन बाद तब होएगी शॉपिंग। और शायद देखते हैं कल का प्लान भी हमारे लिए आने का, और इधर जाएंगे हम साइड से।
गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे, और डब्बी के ना मैंने इधर बांध रखा था। डब्बू को यहाँ पे देखो, डब्बू चलो अंदर चले पानी पिलाऊंगा तुझे। पानी पियो, मम पियो पहले आओ, पैर निकालो बाहर, पैर निकालो उसमें से। हाँ इधर आओ मम पियो इसको लो पियो। मम नहीं पीना चलो कम। ये देखो गाइस इसको, चलो कम। गाइस तो ये जो शूज लेके आया ना रवि, तो पड़े हमारे को 1300 के, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से इसने चूज करे। तो पहले ताला खोल ले यार, चिर दिखा रवि, दिखा जूते कौन से लेके आया। ये देखो डब्बी को, देखो डब्बू को देखो, वो सोच रहा क्या लेके आया तुम। बच्ची इधर काम, हेलो करो, हाई फाई करो। तो गाइस ये रे शूज इसके, देख सकते हो आप, एकदम बढ़िया क्वालिटी है। ब्राउन और वाइट में आपको थोड़ा वैसे अलग अलग दिख रहा होगा ना, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे थोड़ा लाइट ब्राउन है। नो कैसे लग रहे, सही लग रहे। तो गाइस तो देखो मैंने डाल लिए शूज, ये रहे सही लग रहे, एकदम कंफर्टेबल है, चलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा इसका जूस मैं भी लूँगा ऐसे में, अब मगर मैं पूरे वाइट में लूँगा, जो मैंने देखे थे ना इसने थोड़े ब्राउन में लिए।